था रहा। सो गाइस आगे हैं हम फिर से आईटी पार्क, और इससे रिलेटेड बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप आईटी पार्क की दोबारा से बनाइए। सो अब हम आ चुके हैं आईटी पार्क में, ओके एमपीएस के पास, और यहाँ से आ गई हैं वैकेंसियाँ। सो जल्दी से आइए, फटाफट से अप्लाई करिए यहाँ पे। कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स करे और मुझसे पूछा कि प्लीज़ बनाइए आईटी पार्क से रिलेटेड वीडियो, और मैंने फिर बहुत सोचा इस बारे में और मैं आ गई हूँ आईटी पार्क आज आप लोगों के साथ और आप लोगों से को बताने के लिए। जी गाइस जल्दी से एमपीएस है और आईटी पार्क में, और फटाफट से आइए और अप्लाई करिए जॉब्स के लिए। और यहाँ पे अभी काफ़ी वैकेंसी निकली हैं, और मैं आपको फील्ड भी बता देती हूँ कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। और ये आपको बस एंट्रेंस करनी है और वहीं पे आपको मिल जाएगा आईटी पार्क के अंदर आते ही एमपीएस। आप सब जानते भी होंगे इसके बारे में, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है तो अपने आप में ही काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं इस टाइम पर निकल रहे हैं, इनके टाइमिंग ओवर हो चुकी है ऑफिशियल। आप देख सकते हैं कि टाइमिंग्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं गर्ल्स के लिए भी, और अपना मॉर्निंग में आ सकते हैं और आफ्टरनून में जाना है, तो बहुत अच्छा टाइमिंग्स है यहाँ पे, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। और यहाँ पे जल्दी आइए और जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, फटाफट से, देर ना करें बिल्कुल भी। एमपीएस मैंने बता दिया है, ये देखिए एमपीएस, ये पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप। जैसे कि मैं बता दूं कि वेब डिज़ाइनिंग की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी नॉलेज आप लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें आपको सीख के आनी है, एंड वेब डेवलपर। और सो गाइस आप इससे रिलेटेड तैयारी भी कर लीजिएगा, एंड क्वालिफिकेशन जो है आप लोग से, और ग्रेजुएशन तो आपकी होनी ही चाहिए कंप्लीट, ओके, और ग्रेजुएशन के बेस पे ही है, और उसके आगे जो आपने कोर्स करेंगे उससे रिलेटेड आप लोग के जॉब्स और टाइमिंग्स और जो आप लोग की पोस्ट होगी वो आप लोग को प्रीफर की जाएगी, ओके। सो एमपीएस मैंने आपको बता दिया, आना ना भूलें, जल्दी से आइए, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए फटाफट से, दे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। बता चुकी हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड से रिलेटेड वर्क है आप यहाँ पे आके ठीक करवा सकते हैं, और यहीं पे होते हैं वो सारे वर्क, जो भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से जो भी ठीक कराना और या करना होता है, सो जो भी आपका काम है वो यहाँ आइए आई टी पार्क में, फटाफट से सॉल्व कराइए। जो है कि आई टी पार्क पर मैं आपको अब बता देती हूँ कि एक और वैकेंसी जहाँ पर आई है, फटाफट से आइए और यहाँ पर अप्लाई करिए। मैं बताती हूँ आपको सेकेंड वैकेंसी कहाँ पर आई है, एंड जो मैंने आपको बताया एमपीएस, उसमें से जल्दी जल्दी हो सकता है आप फटाफट से आइए और अपना रिलेटेड डॉक्यूमेंट से फटाफट अप्लाई करिए। अब हम आगे जा रहे हैं और चलते रहिए कंपनियों से। गाइज आपको अगर कंप्यूटर का जितना ज़्यादा नॉलेज होगा ना उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए आईटी पार्क में आना, बिकॉज जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा आप लोगों को फिर पे स्केल भी उसी हिसाब से मिलता है ना। और जो ये आपका यहाँ पे है ना, तो आईटी पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड वर्क कंप्यूटर से रिलेटेड ही होता है। कोर्स तो आपने जो किए हैं, ग्रेजुएशन किया है, बीसीए किया है, व्हाटएवर जो भी आपने किया है वो तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर भी अगर किया है तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे आप लोगों को एक मेन वो मिल जाता है पर्पज़ की, हाँ। और फिर उसमें जो यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, सो उसकी अगर आप लोगों ने कोर्स नहीं भी किया है तो नॉलेज रखिए, और शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह जितने भी हैं आप लर्न रखिए, ओके। यहाँ पे ये मल्टीपर्पज़ कंपनी है, और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे अलग अलग वर्क हैं, और जो अभी निकली है फर्स्ट क्राइम में वैकेंसी निकली है, और आप फटाफट से अप्लाई करिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हर एक जिन्होंने जो भी कोर्स किया है, वो चाहे आप बीटेक कह लें, चाहे आप बीसीए कह लें, चाहे आप एमबीए कह लें, चाहे आप जो भी कह लें, उन सारे कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे जॉब्स है, बट जो अभी फर्स्ट क्राइम में जॉब निकली है, सो अप्लाई करिए जितनी जल्दी हो सकता है, अप्लाई करिए फटाफट से करिए, और काफ़ी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और वैकेंसी बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, तो आप जितनी जल्दी ये वीडियो वॉच करें उतनी जल्दी यहाँ पे आइए फर्स्ट टाइम में। और जो कि कंपनी है वो बाहर से आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक रामटेक कंपनी है, ये देख सकते हैं आप रामटेक, और आपको रामटेक में नहीं जाना है, इतना याद रखिए, रामटेक में नहीं जाना है, रामटेक से आगे वाले जो कंपनी है उसमें जाना है, क्योंकि उसमें मेन पर्पसली नाम नहीं लिखा है कि फर्स्ट का है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको आना है और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए ये रामटेक वाली है, इसमें नहीं जाना है आपको, इससे आगे वाले में जाना है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा है अप्लाई, और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं, और फटाफट से आइए और फटाफट यहाँ पे अप्लाई करिए। ये देखिए ये रहा कंपनी आईटी पार्क 21, और फटाफट से आइए
और फटाफट से अप्लाई करिए। और ये है A1 टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी वैकेंसी है। अगर आपने जावा से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आइए और फटाफट से अप्लाई करिए। न्यू अपने अभी वर्क चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं ये है जो कि इवोन, इट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप इवोन की है, बट उससे बगल में बता दिया है कि फर्स्ट क्राइम में और MPS में मैंने आपको बता दिया है, जो आपके जो भी रिलेटेड कमेंट्स थे कि प्लीज़ आप IT पार्क का दोबारा सेकेंड ब्लॉग बनाइए, प्लीज़ उसमें बताइए जो आपसे रिलेटेड, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। आप फटाफट से आइए और फटाफट से अप्लाई करिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करिए, क्योंकि वैकेंसी का आपको पता है कि जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी फील हो जाती है, बिकॉज़ ज़्यादा लोग हैं। तो आप लोगों को मैंने इसमें इस टाइम आई थी तो मैंने फटाफट से ब्लॉग बनवा दिया, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इस टाइम पर वैकेंसीज निकली हैं। ओके गाइस, तो जल्दी आइए और जल्दी अप्लाई करिए।